हेलो एवरी वन सो इन 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 दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग अ लेटेस्ट कांग्रेस जेनसी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इंटरव्यू एक्सपीरियंस एंड फर्ट ऑफ आल आई वॉन्ट टू टेल यू गाइस कि ये वाला जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो जेसी के लिए है सो so अगर आप लोग सोच रहे हो कि अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो फॉर सी आई एस जॉब रोल सो ये वाला एक्सपीरियंस सी आई एस के लिए नहीं है मतलब इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए नहीं है ये वाला जो इं, इंटरव्यू एक्सपीरियंस है ये कांग्रेजेंट जे का इंटरव्यू एक्सपीरियंस है ये चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ जिससे बाद में आपको कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं रहेगी ठीक है, है तो जिससे आप कंफ्यूज नहीं होगे दोनों जो रूल्स हैं उन दोनों के जो इंटरव्यूज हैं दोनों ही यहाँ पर क्या होते हैं अलग अलग होते हैं डिफरेंट होते हैं इसलिए ये बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूं Then, आगे बढ़ते हैं हैं इंटरव्यू की तरफ चलते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन वॉज द इंट्रोडक्शन ओके ये काफी रिसेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सो so, हमारी सब्सक्राइबर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस है सो so इंट्रोडक्शन था पहला क्वेश्चन कि भैया अपने आपको इंट्रोड्यूस कर दो अपने बारे में बता दो तो देखो ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है अपने इंट्रोडक्शन बता दो तो इसमें आप लोग अपने बारे में बता सकते हो अपनी क्वालिफिकेशन बेसिक कितना सीजीपीए कहाँ से एजुकेशन करी है क्या स्किल्स है बेसिक अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन वगैरह किया तो वो सारी चीजें आप इसमें कवर कर सकते हैं। तो ये तो आपका एक बेसिक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है देन ही आज हाउ आज योर डे ये तो काफी नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन है इस टाइप से तो जनरल डिस्कशन के लिए इंटरव्यूअर पूछ लेते हैं

अब आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक्सप्लेन करनी है विथ रियल लाइफ एग्जांपल तो आप कैसे बताओगे कि ये जैसे ये बैंक है सो बैंक को हमने क्या बना दिया क्लास सो so ऐसे आप एक्सप्लेन करोगे ठीक है थीके? उस क्लास के अंदर आपका uh, क्या होगा uh, अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज होगी लाइक uh, बैंक का ब्रांच कोड होगा राइट right? और uh, बैंक का एड्रेस होगा बैंक की सिटी होगी सो so, ये सब प्रॉपर्टीज़ आ गई बैंक के अंदर कुछ फंक्शन होंगे लाइक ओपनिंग द अकाउंट क्लोजिंग द अकाउंट सो so, ये सब आपके क्या आ गए इंटरनल फंक्शंस आ गए फिर अलग अलग बैंक के ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उनके अलग अलग फंक्शंस होंगे राइट सो so, उस टाइप से आप किसी भी एग्जांपल को लेके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को एक्सप्लेन कर सकते हो देन दे देख एरे वर्सेस लिस्ट तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है एरे और लिस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है तो so, काफी सारे जो बेसिक डिफरेंस है दो तीन डिफरेंस आप बता सकते हो लाइक like, जो भी आपके बेसिक आपको पता हो वो आप दो तीन एक्सप्लेन यहाँ पर कर सकते हो देन अप्रोच फॉर डिलीटिंग लोड ऑफ लिस्ट फ्रॉम लास्ट सो ये कोड पूछा लाइक सपोज ये कोई लिंक लिस्ट है जिसमें ये नोड दिया है जिसमें पहले नोड का नंबर है 1 देन 2 3 4 ठीक है नाउ इस लिंक लिस्ट में सपोज आपको 3 को डिलीट करना है व्हिच इज सेकंड लास्ट नोड ठीक है सेकंड लास्ट नोड सो एनथ नोड फ्रॉम लास्ट का क्या हो गया एन की वैल्यू क्या हो गई इसमें 2 क्योंकि सेकेंड लास्ट नोट फ्रॉम द एंड ये यहां पर क्वेश्चन हो गया सो so डिलीट करना है यहां पर एन एथ नोट फ्रॉम द लिंक लिस्ट फ्रॉम लास्ट तो ये क्वेश्चन था यहाँ पर जो कि परफॉर्म करना था जो कि एक बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का क्वेश्चन है ठीक है देन दे आस्ट वॉट इज मशीन लर्निंग वॉट इज डीप लर्निंग ये उनने इसलिए पूछा बिकॉज दिस वॉज द प्रोजेक्ट ठीक है ये प्रोजेक्ट था सो so ये प्रोजेक्ट के ऊपर क्वेश्चन था बिकॉज उस बंदे ने प्रोजेक्ट जो बना रखा था ना वो मशीन लर्निंग के ऊपर बना रखा था ओके देन दे आस्ट वॉट इज द नीड ऑफ कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर की नीड क्या है वॉट इज गार्बेज कलेक्शन तो ये भी ऊप से रिलेटेड क्वेश्चन था ठीक है देन दे आस्ट एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट टू थ्री क्वेश्चन ऑन प्रोजेक्ट ठीक है सो अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर दो एंड दो से तीन यहां पर देन क्रॉस क्वेश्चंस किए प्रोजेक्ट के ऊपर क्या क्रॉस क्वेश्चंस किए वो एग्जैक्ट क्वेश्चंस मुझे नहीं पता है क्योंकि जो उसने मेरे को व्हाट्सएप पे एक्सपीरियंस भेजा था मैंने एज इट इज पेस्ट किया है पूरा का पूरा ठीक है तो कोई भी मैंने चेंजेस नहीं करे तो टू थ्री क्रॉस क्वेश्चन पूछे प्रोजेक्ट पर तो वो वो क्वेश्चन पूछे गए देन वाट इज़ योर शॉर्ट टर्म गोल वॉट इज योर लॉन्ग टर्म गोल वाट इज योर सक्सेस स्टोरी ठीक है goal, goal, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे ये इसमें कुछ ये बिहेवियर क्वेश्चन थे ठीक है अब आप सोच रहे होंगे कि इस बंदे से काफी सारे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं एचआर क्वेश्चंस काफी कम पूछे गए हैं बट ये टोटली totally डिपेंड करता है अलग अलग टाइप के इंटरव्यूज में जैसे कि हो सकता है कि कोई इंटरव्यू ऐसा हो जिसमें टेक्निकल के कम क्वेश्चंस पूछे जाए एचआर के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाए द रीजन कुड बी द रेज्यूम ओके सो ये बंदे ने जैसा बताया कि उसका जो रेज्यूम था वो काफी टेक्निकल फोकस था इवन वो कंपीट कर रहा था मशीन लर्निंग के कॉम्पिटिशन में एंड जो फ्लिपकार्ट uh, 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 जो फ्लिपकार्ट के कॉम्पिटिशन्स थे उसमें इवन uh, जो गेटअप uh, में थे वो उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा था कॉम्पिटन्स में तो एक्चुअली मैं काफ़ी सारे वगैरह में पार्टिसिपेट कर रहा था कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहा था तो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल फोकस था वो बंदा इसलिए थे आज द क्वेश्चन लाइक दिस ठीक है बाकी टोटली totally डिपेंड करता है कि आपका रेज्यूम कैसा है इंटरव्यू का मूड कैसा है वो क्या पूछना चाहे ठीक है बाकी ये जो इंटरव्यू था दिस वॉज द इंटरव्यू फॉर जेंसी नेक्स्ट ओके जेंसी नेक्स्ट इस प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू था सो आपको पता होगा जेंसी है जेंसी प्रो है जेंसी नेक्स्ट है तीन प्रोफाइल्स यहाँ पर होती हैं, सो ये वाला इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो मैंने आपको शेयर किया ये जैन के जैन है के जेनसी का इंटरव्यू है जेंसी नेक्स्ट का ओके सो आई होप ये रीसेंट एक्सपीरियंस आपको पसंद आया होगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग